सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, फोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइस, यहां से आपको एक अपनी फ़ोटो एड कर लेनी है जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। यहाँ पर गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है। कितना बड़ा करोगे, यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ बड़ा करके दिखा देता हूँ। गाइस, आपको अपने फ़ोटो को 11 सेकंड का कर लेना है। ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहले गाइस, आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप पहले वीडियो को सेव नहीं करते हो तो हो सकता है गाइस आपकी वीडियो में स्प्लिट ना हो। फिर आपको बैक करना है। यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पर क्लिक करके, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करके, जो वीडियो गाइस आपने सेव करी आपको उसी को लेना है। फर्स्ट में आपकी जो फ़ोटो रहेगी उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है। यहाँ पर देखिए, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है। यहाँ पर माई म्यूज़िक पर क्लिक करना है। म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाके यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको नीचे बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 17 बीट्स लगा लेनी है। 17 बीट्स लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बीट आप किस टाइम पर लगाओगे ये भी गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बीट लगाने के बाद आपको राइट करना है। अभी गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है। सेकंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी गाइस, आपने जितनी बीट लगाई है आपको सब बीट पर टच करके और अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो जैसे यहाँ से मैं सभी स्प्लिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद जो आपका ये फर्स्ट वाला फ़ोटो रहेगा, सबसे पहले तो आपको टू फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे चलना है। देखिए, आप थोड़ा सा आगे, नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है। तो गाइस, इसी तरीके से ना ये बारीक बारीक स्प्लिट आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में लगा लेने, फर्स्ट वाली बीट तक। उसके बाद आपको इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। तो इफेक्ट वगैरह गाइस आप कौन से लगाओगे, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं। इससे गाइस आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। बस गाइस, आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप अच्छे समझ पाओगे। सो गाइस, जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो बना ली है, अब आपको करना क्या क्या है यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ। एक एक करके आपको इफेक्ट बताऊँगा कौन कौन से लगाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपको इफेक्ट्स कौन से लगाने हैं। आपको सेकंड वाले फ़ोटो पर आना है, जो बड़ा फ़ोटो होगा। नीचे इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है जिटर डाउन। जब आप ये जिटर डाउन लगाओगे ना, तो सेकंड वाले फ़ोटो से एंड के जितने भी फ़ोटो सब में आपको जिटर डाउन वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस वाले इफेक्ट की। ये प्लस वाले इफेक्ट देख रहे हो आप, ये जो प्लस वाले इफेक्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने इफेक्ट लगा रखे हैं, तो इसमें आपको कौन सा लगाना है यहाँ पर मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। जो सेकंड वाली बीट के नीचे प्लस होगा यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है, शेक वन वाला, ठीक है। सेकंड प्लस पर आपको जूम वन वाला लगाना है। सब आपको इसी में मिल जाएंगे, मैं आपको नाम बता देता हूँ। सेकंड प्लस में जूम वन, थर्ड प्लस में आपको जूम टू लगाना है, दूसरा वाला, दो बार क्लिक करना है। फोर प्लस पे आपको शेक वन पे फोर बार टैप करना है। फाइव प्लस पे शेक टू वाला लगाना है। सिक्स प्लस पे शेक वन लगाना है। सेवन प्लस पे शेक वन का तीसरा लगाना है। एट प्लस पे आपको ये वाला लगाना है, जूम टू वाला, दूसरा, ठीक है। नाइन प्लस पे आपको शेक टू लगाना है। टेन प्लस पे जूम वन लगाना है। इलेवन प्लस पे शेक वन लगाना है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो चेंज करके भी, ठीक है, किसी में जूम वन, किसी में जूम टू। इस तरीके से आपका प्लस वाला इफेक्ट भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको बारीक वाले फ़ोटोज़ में क्या करना है, तो वो बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना है, एक कम जूम करना है, और एक नॉर्मल रखना है। जूम आप कहाँ से करोगे, स्क्रीन पर टच करके। फिर एक फ़ोटो मिरर करना है, एक फ़ोटो नॉर्मल, फिर एक फ़ोटो जूम, जूम मतलब एक फ़ोटो थोड़ा सा जूम, फिर एक नॉर्मल, फिर एक मिरर, फिर एक थोड़ा सा जूम, एक नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर एक फ़ोटो फ्लिप, एक नॉर्मल, एक मिरर, एक फ़्लिप। तो इस तरीके से गाइस आप अपने हिसाब से भी थोड़ा आगे पीछे चेंज कर सकते हो। ये इफेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे फ़्लिप मिरर के, यहाँ से लगा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर बीट टाइम बताते हैं, बीट आपको किस टाइम पर लगानी है आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 1.70 पर, सेकंड बीट 2.24 पर,
थर्ड बीट 2.78 पर, फोर बीट 3.30 पर, फाइव बीट, यहाँ पर मैं आपको फाइव बीट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा हैंग हो गया फ़ोन, देख लेता हूँ मैं। और यहाँ पर हम तो 5 बीट आपको लगानी है 3.84 पर, 6 बीट 4.43 पर, 7 बीट 4.95 पर, 8 बीट 5.55 पर, 9 बीट 6.14 पर, 10 बीट 6.67 पर, 11 बीट 7.33 पर, 12 बीट 7.83 पर, 13 बीट 8.33 पर, 14 बीट 8.94 पर, 15 बीट 9.48 पर, 16 बीट 10.02 पर, 17 बीट 10.58 पर, ये आपको 17 बीट्स लगा लेनी है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आए लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर साइज पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे यहां से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।